नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क वॉइस ऑफ एमपी। चौथे चरण का मतदान चालू हुए लगभग डेढ़ घंटे का समय हो चुका है। मतदान केंद्र पर लगातार बड़ी संख्या में मतदाता बड़े उत्सुकता के साथ पहुंच रहे हैं और अपने मत का 100% उपयोग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए हम सीधे रुख करते हैं और बात करते हैं कि किस तरह यहाँ पर व्यवस्था है और क्रिटिकल एरिया को किस तरह से यहाँ पर संभाल रखा है और कौन कौन अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पीठासीन अधिकारी को लेकर क्या क्या जानकारी सामने आ रही है। हम सीधी बात करेंगे यहाँ पे मतदाता से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज चौथे चरण का मतदान है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, बढ़िया। लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक लोग हमारे गाँव के लोग हैं और सभी सहयोग कर रहे हैं इसके अंदर और लोगों में जागरूकता है मतदान के प्रति। और देखिए, आप अभी सुबह का समय है, महिलाएं ज्यादातर हिस्सा ले रही है इसमें और जेंट्स भी जो है सुबह से यहाँ पे लंबी लंबी लाइनों में आ गए हैं। हमारे गांव के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है और मतदाता भी बहुत जागरूक है इस बार। क्या कहेंगे युवा मतदाता? भी आज पहली बार कई युवा वोटिंग करेंगे, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, कुछ में किस तरह का उत्साह है? युवा में उत्साह वोटिंग का है, कुछ नए वोटर्स हैं तो उनमें जागरूकता है कि भाई पहला मतदान है मेरा, तो वो भी उसमें उत्साहित है। तो युवा और सभी में उत्साह अच्छा है। शासन प्रशासन और ग्राम पंचायत की तरफ से यहाँ क्या क्या कुल व्यवस्था की गई है और क्या क्या किन किन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है? प्रशासन और इसमें तो एक्चुअल में पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है, ग्राम पंचायत का भी अच्छा सहयोग है, यहाँ पे जो अधिकारी आए पीठासीन वगैरह उनका भी अच्छा सहयोग है और सभी अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। क्या कुछ वॉइस ऑफ एमपी के नाम से आप देशवासियों को, हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? क्योंकि आज वोटिंग है, आज ये सबसे महत्वपूर्ण दिन आज का माना जाता है, तो क्या कहेंगे? अभी मुख्यमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि राष्ट्र हित में मतदान करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्चुअल मतदान तो भारत का लोकतंत्र पर्व है तो वो तो भारत के इसी में जा रहा है, पर मेरा कहना है कि भारत देश में लोकसभा चुनाव में चौथा चरण है, इसमें सभी मतदाताओं से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। जी, जैसा कि अभी यहाँ मतदाताओं ने बताया कि किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है और इनका साफ तौर पर कहना है कि ग्राम पंचायत से लगाकर शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की यहाँ पर कोई दृष्टिकोण नहीं देखा जा रहा है। वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ के लिए सरसी से पवन धाकर, रतलाम, ब्यूरो चीफ।